दोस्तों आज तो मरते मरते बच गई जान बच गई, क्योंकि चालू गाड़ी जब 100 की स्पीड पे थी तो ये टायर फट गया और गाड़ी कंट्रोल कर दी बहुत मुश्किल से। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। अब देख सकते हो दोस्तों टायर को क्या हुआ है, फट गया है टायर। ये देखो ये पूरा का पूरा फट गया है। उसका रीज़न है ये 2020 का टायर है। आपको उसकी ग्रिप बहुत अच्छी लगेगी, ग्रिप कंप्लीट है, मगर आप देख सकते हो ये देखो दरारें पड़ गई है क्योंकि उसका रबर जो है उसका खलास हो गया है, रबर स्ट्रेंथ फिनिश हो गई है। अब 2020 का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 2020 का टायर है। इसलिए दोस्तों टायर हमेशा 3 साल बहुत हो गए, 3 साल के ज़्यादा होता है, उसको ना इस्तेमाल कीजिए और चेंज कर दीजिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों आज तो मरते मरते बच गई जान बच गई, क्योंकि चालू गाड़ी जब 100 की स्पीड पे थी तो ये टायर फट गया और गाड़ी कंट्रोल कर दी बहुत मुश्किल से। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। अब देख सकते हो दोस्तों टायर को क्या हुआ है, फट गया है टायर। ये देखो ये पूरा का पूरा फट गया है। उसका रीज़न है ये 2020 का टायर है। आपको उसकी ग्रिप बहुत अच्छी लगेगी, ग्रिप कंप्लीट है, मगर आप देख सकते हो ये देखो दरारें पड़ गई है क्योंकि उसका रबर जो है उसका खलास हो गया है, रबर स्ट्रेंथ फिनिश हो गई है। अब 2020 का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 2020 का टायर है। इसलिए दोस्तों टायर हमेशा 3 साल बहुत हो गए, 3 साल के ज़्यादा होता है, उसको ना इस्तेमाल कीजिए और चेंज कर दीजिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।